नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं एनओएस की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूं जो आप सबके लिए आया है, आपकी डेट शीट से रिलेटेड है और साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर से देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे और वीडियो को भी लाइक कर दें। इसमें मैं आपको डेट शीट से रिगार्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से रिगार्डिंग मैं आपसे आपके एग्जाम्स के लिए बातें बताने वाला हूं जो एनओएस की तरफ से आपके लिए आई हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, एनओएस की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 28 तारीख को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में आपके जो है पब्लिक एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है और आपके थ्योरी के एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया है। तो आपके थ्योरी के एग्ज़ाम्स जो हैं 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एनओएस की तरफ से ऑफिशियली आपके एनओएस के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जो है अपनी डेट शीट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं आप सबको यहाँ दिखा दूँ, आपकी जो डेट शीट है, आपके 4 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे मंडे से। ये है आपकी क्लास 12th के लिए और ये है आपकी क्लास 10th के लिए। यहाँ पर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपके संस्कृत का होगा और ऐसे ही आपका, जैसे कि आप क्लास 10th में देख सकते हैं, सबसे पहला एग्ज़ाम आपका जो है हिंदुस्तानी संगीत का होगा। आपके एग्ज़ाम्स के टाइमिंग जैसे कि आप सबको पता ही है, मेनली आपकी 2:30 से 5:30 ही रखी जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम टाइमिंग है। उसके बाद आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे आपके एग्ज़ाम्स के जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, किस किस डेट को कौन कौन से। जैसे कि मेन सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th में जो है अपना इन्वायरमेंटल साइंस अपना सब्जेक्ट लेते हैं तो उनका जो है 6 अप्रैल को एक एग्ज़ाम है और उसके बाद जो है हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं तो 8 अप्रैल को है। और उसके बाद में जैसे कि मैं आपको यहाँ और दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आप जो है हिस्ट्री या फिजिक्स का सब्जेक्ट लेते हैं तो वो 18 अप्रैल के आसपास आपका जो एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो है 19 अप्रैल को है, केमिस्ट्री का 20 को है और पॉलिटिकल साइंस भी 20 को है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के बारे में, जैसे कि इंग्लिश का आपका जो है 22 अप्रैल को है और मैथ्स का आपका 23 अप्रैल को है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जो हैं, काफ़ी समय मिला हुआ है आपके एग्ज़ाम्स देने के लिए तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे हैं, जिन भी बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि 4 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम है, एक महीना अभी आपके पास है, आप जो है अच्छे से आप पास भी हो सकते हैं। तो पास होने के लिए मैंने आपके लिए पहले ही वीडियो बना रखी है, आप जो है ना इसमें कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे अपना जो है मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आप कैसे पा सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आप जो है अच्छे से अच्छे जो है कैसे स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें देख सकते हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, साथ में एक इम्पॉर्टेंट डेट शीट भी एनएस की तरफ से इसमें रिलीज़ की जाती है। सबसे पहले तो जो है जो इनलैंड वाले हैं, मतलब जो एनएस के इंडियंस हैं, उनके लिए प्रोवाइडेड की जाती है। उसके बाद जो है प्रोवाइडेड की जाती है आपके ओवरसीज एग्ज़ाम्स वालों के लिए, मतलब जो अब्रोड में रह रहे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बाहर जो रहते हैं इंडिया से बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो एनएस की तरफ से एग्ज़ाम्स देते हैं और उनके लिए भी जो है डेट शीट रिलीज़ की जाती है। तो उनका भी जो एग्ज़ाम्स है, सबसे पहले उनका भी 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो उनकी भी जो है लगभग सेम सी डेट शीट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन एग्ज़ाम्स जो है उसी डेट को होने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं है। 16 अप्रैल को इंग्लिश का है, उसी हिसाब से आपके जो है ओवरसीज़ वाले स्टूडेंट्स के सब मेन वही जो है आपके सब्जेक्ट उन्हीं डेट्स को हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ आपके कुछ और चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर कैसे मिल सकती हैं। द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द इंटीमेशन कम होल टिकट अवेलेबल ऑन एनओएस वेबसाइट। एनओएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना होल टिकट जो है एनओएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ से प्रोवाइडेड है कि आप वेबसाइट से कर सकते हैं। अभी आपके लिए होल टिकट आया नहीं है, होल टिकट जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ में इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जैसे कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी इन 6 वीक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो आपके आखिरी दिन का जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 अप्रैल को आपका आखिरी एग्ज़ाम होगा, उसके जो है 6 हफ्ते बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 6 हफ्ते माने मतलब आपके 1.5 महीने के आसपास बाद जो है आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद अपना जो है रिज़ल्ट आप जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आप जो है अपने स्टडी सेंटर पर जाकर भी अपना रिज़ल्ट जो है ले सकते हैं। और जैसे कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, द मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट,
विल बी इश्यूड टू द सक्सेसफुली कैंडिडेट्स, मतलब जो पास कर जाएंगे तो उन्हीं को जो है ये सारे सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई चेंजेस नहीं होने वाले आपके एग्जामिनेशन में, कोई भी डेट शीट में कोई चेंज नहीं होने वाले। साथ में आप यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन फीस पेड बाय द कैंडिडेट एंटाइटल देम टू अपियर इन थ्योरी एग्जाम, मतलब जिसने भी अपनी एग्जाम फीस पे करी है सिर्फ उसी को जो है एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, उसी का जो है होल टिकट रिलीज किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने अपना TMA सबमिट कर दिया तब भी उसको जो है बैठने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर आपने एग्जाम फीस भरी है तभी आपको जो है बैठने दिया जाएगा। आपके प्रैक्टिकल की एग्जाम्स भी बहुत पास आ गई हैं, प्रैक्टिकल की डेट शीट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया 14 मार्च से आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो 14 मार्च से पहले पहले अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स भी बना लीजिए। प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आप कैसे बना सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। साथ में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम वहाँ पर किस तरीके से लिया जाता है, कंप्लीट जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जो है आपको प्रोवाइडेड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों NOS की तरफ से और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने बाकी हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब आपका होल टिकट वगैरह और आपके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही NOS की तरफ से आती रहेगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।